जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं टाइटंस वर्सेस नाइट्स T20 मैच जो खेला जाएगा किंग्स में डरबन पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है। जब स्वैनी के ऊपर मैचेस हुए किंग्स में डरबन पे तो कौन से प्लेयर से जो परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो स्टूडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना भाइयों अंत तक। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये मैच किंग्स में डरबन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 1:30 बजे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है @StatsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करेंटली 71,000+ सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है, यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर करीबन 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर दोस्तों। एक फर्जी चैनल है, एक फेक चैनल है, आपको हमारे चैनल को अच्छे से ढूंढना, आइडेंटिफाई करना है, गलत जगह नहीं जुड़ना है जिसके अंदर आपको 71,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिख जाएंगे दोस्तों। आपको उसी से जुड़ना है, लिंक आपको मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों किसकी, पिच रिपोर्ट की, तो आपको लेके चलता हूँ दोस्तों पिच के ऊपर। जैसा आपसे कहा था मैंने किंग्स में डरबन के ऊपर मैच खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना दोस्तों इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच कब हुआ था, हुआ था दोस्तों 15 फेब को 2020 के अंदर, करीबन एक साल पहले अपन कह सकते हैं ना, एक ईयर पहले दोस्तों मैं लास्ट मैच हुआ था। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पिच रहेगी ना एकदम यहाँ पे फ्रेश रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक साल बाद यहाँ पे कोई मैच हो रहा है तो पिच को एकदम अच्छे से नया बनाया गया रहेगा, एकदम फ्रेश बनाया गया रहेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इक्वल बैलेंस रहेगा बैट और बॉल के बीच के अंदर। लास्ट मैच कौन सा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे साउथ अफ्रीका वर्सेज इंग्लैंड का मैच हुआ था 15 फेब 2020 के अंदर, ठीक है। और ये स्टैट्स मैंने देखे ना, तब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ पता लगी कि यहाँ पे बैट्समैन फेवर करती है पिच, ठीक है, और यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलती है। जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का लास्ट मैच हुआ था ना इसके अंदर दोस्तों 200 प्लस का स्कोर गया था, समझ रहे हो आप, 200 प्लस का टारगेट गया था, जो बहुत ही शानदार मैच दोस्तों हुआ था। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना टाइटन्स ने कितने मैचेस खेले हैं, 12, ठीक है, कितने जीती है, 6, और नाइट्स यहाँ पे 10 मैचेस खेली है, 6 जीती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्स फेवरेट रहती है वेन्यू के हिसाब से, लेकिन दोस्तों जब आप स्क्वाड देखोगे ना, प्लेइंग 11 देखोगे, तब आपको पता लगेगा दोस्तों टाइटंस यहाँ पर कितनी तगड़ी टीम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 3 में से 2 बार जीती है, जो टीम पहले बैटिंग करती है, और जो टीम चेस करती है दोस्तों सिर्फ 1 बार जीती है आउट ऑफ 3 गेम्स। लास्ट ईयर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कितने मैचेस में थे, 3, और एवरेज आपको करीबन यहाँ पे 160-200 बनता दिखेगा। लास्ट 3 मैचेस में क्या हुआ था, स्पिनर्स निकाले यहाँ पर कितने, 8 विकेट, और तेज गेंदबाजों ने दोस्तों स्वैनी के ऊपर कितने विकेट निकाले, 28 विकेट। पहली पारी के अंदर 3 विकेट है, दूसरी पारी में 3 विकेट है, मतलब पहली पारी के अंदर 5 विकेट है, दूसरी पारी में 3 विकेट। अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू पेसर्स। और जो लास्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो हुआ था 15 फेब 2020 को, उस मैच में दोस्तों यहाँ पे पेसर्स निकाला था 13 विकेट। आप समझ सकते हो 13 विकेट दोस्तों किससे बोलते हैं, यहाँ पर पेसर्स कितने ज़्यादा विकेट निकालते हैं, वही स्पिनर ने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 1 विकेट निकाला था। सनी वेदर दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है डरबन के अंदर, लेकिन आपको एक बात बताऊंगा खास दोस्तों, जो डरबन का वेन्यू ना किंग्समेड स्टेडियम, वहाँ पर दोस्तों कुछ घंटों के अंदर वेदर बदल जाता है, ठीक है, मैं आपसे पहले कह दूँ कुछ घंटों के अंदर वेदर बदल जाता है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है दोस्तों, मेरी स्टाइल पसंद आती है दोस्तों यहाँ पर आपको स्टैट्स दिखाने की, क्योंकि अपन उसके लिए ज़्यादातर पॉपुलर है, तो आपको लाइक कर देना दोस्तों, वरना आप डिसलाइक कर सकते हो क्योंकि दोस्तों सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। यहाँ पे चलेंगे दोस्तों क्या न्यूज़ आ रही है, तो ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, दोनों टीम्स के दोस्तों सारी स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस मॉरिसन ना दोस्तों वो IPL के हिस्ट्री के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं, अपन कह सकते हैं जो सोल्ड आउट में हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कितने में बिके हैं दोस्तों, 16.25 करोड़ के अंदर भी गए, RR ने दोस्तों उसको खरीदा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि कितना हाई कॉन्फिडेंस के अंदर बंदा रहेगा इस मैच के अंदर जब खेलेगा टाइटंस के लिए। अब देखो यहाँ से आज जब दोनों टीम आपस में खेलते हैं क्या होता है, दोनों टीम्स ने आपस में दोस्तों 26 बार खेला, आप समझ सकते हो पूरे इतिहास के अंदर, उसमें टाइटन 16 बार जीती है, नाइट्स दोस्तों 8 बार जीती है। तो यहाँ पे टाइटन थोड़ी फेवरेट है, और लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में दोस्तों टाइटन जीती है। 2017 से लेके 2020 तक जितने हेड टू हेड मैचेस हुए ना उसके अंदर दोस्तों टाइटन बाजू मारी, यार एक नंबर टीम है। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर लाइनअप्स के ऊपर, आपको ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे एडिन मार्करम ओपनिंग करेंगे, गिव अवे क्या हैशटैग लिख दो यार, स्टार्ट्स गुरुजी आप लिख दो और कमेंट कर दो यहाँ पे AM मतलब एडिन मार्करम कितने रन बनाएंगे, ठीक है, 50 रुपये का गिव अवे मिलेगा, एकदम सही आंसर देना है, ठीक है, जो सही आंसर देगा दोस्तों उसी को गिव अवे मिलेगा, हैशटैग लगाना जरूरी है, 50 रुपीज़ का गिव अवे आएंगे। यहाँ से हेनरी डेविड्स इनके साथ ओपन करने चाहिए, आएंगे डेन एल्गर, थैनस डी ब्रुयोन आएंगे, फिर आएंगे एंड्रिज क्लासेन, इस टीम के कैप्टन से कर रहे हैं, कीपिंग भी यही करेंगे,
क्रिस मॉरिस दोस्त यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा भाई, पैसा ही पैसा अपने पास वाला डायलॉग इनका भाई का, तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा ठीक है, एकदम अच्छा खिलाड़ी, डाउन टू अर्थ अपन कहते हैं खिलाड़ी को दोस्तों, एकदम सुलझा खिलाड़ी है, राइट ही बैटिंग करता है, राइट हम फास्ट मीडियम है। आएंगे ग्रैंट थॉम्सन, ये दोस्तों शायद ही खेलेंगे, इनको लिजार्ड विलियम्स रिप्लेस कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, अगर टीम चाहती है यहाँ पर कि बैटिंग में डेप्थ चाहिए तो ग्रैंट थॉम्सन खेलेंगे, वरना दोस्तों लिजार्ड विलियम्स अगर टीम सोचती है कि हमें बॉलिंग में डेप्थ चाहिए तो वो खेलेंगे, समझा दिया, बॉलिंग चाहिए तो ये, बैटिंग चाहिए तो ये खेलेंगे। सिमन आर्मर आएंगे दोस्तों, ऐसे ऑफ स्पिनर है आप जानते हो, इसेक्स के लिए खेलते हैं, जो इंग्लैंड के अंदर T20 ब्लास्ट होती है उसके अंदर आएंगे। फिर लुगी निगड़ी, राइट हम फास्ट मीडियम, तरबेट शमशी आएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, आज इनका बर्थडे है, कितनी तारीख को इनका दोस्तों आज बर्थडे है ठीक है, 18 फेब को, बहुत ही शानदार दोस्तों खिलाड़ी, आई थिंक 19 फेब आई, हाँ दोस्तों यहाँ पे चेक कर रहे थे 18 फेब ठीक है, तो आज दोस्तों इनका बर्थडे है, बहुत ही शानदार सा अपने खिलाड़ी दोस्तों शमशी जी। रहेंगे यहाँ से जूनियर दाला, राइट हम मीडियम ठीक है, बेंच के ऊपर रहेंगे यहाँ से लिजार्ड विलियम्स, फिर यहाँ से मखनाया जी, गलमेन जी, यहाँ से सीले करके नाम है, यहाँ से जॉर्जिया भी आई थिंक बेंच के ऊपर रहेंगे। तो इनका आई थिंक कितने प्लेयर्स का स्क्वाड है, 12, 13, 14, 15, 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है, उसमें सारे खिलाड़ी थे। अब चलेंगे एक नाइट्स की तरफ ठीक है, नाइट्स की तरफ देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पैट्रिक कुंगन दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग कर चुके हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। जैक्सन सुनमन आएंगे दोस्तों, ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, राइट ही बैटिंग है। मैं तेरे को क्यों ओपनिंग कराना चाहता हूँ आपको पता है, अभी हाल ही के अंदर एक कप हुआ था मोमेंटम कप ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं साउथ अफ्रीका ODD, उसके अंदर ना ये दोनों ने ओपनिंग करी थी, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है दोस्तों दोनों ओपनिंग करने चाहिए। यहाँ से देखो क्या होगा कि पैट्रिक क्रूंगर ओपनिंग करेंगे जैक्सन सैनमन के साथ, फिर आएंगे यहाँ से एंड्रूस गॉस, फिर आएंगे यहाँ से पीटर वन, बिलियन टीम की कैप्टनसी करेंगे, टू डाउन खेलने चाहिए, फिर बाड़ी आएंगे दोस्तों यहाँ से राइट ही बैटिंग करते हैं, वडलेन मकुवतु आएंगे, इस टीम की वाइस कैप्टनसी करें ठीक है, वाइस कैप्टनसी करें, विकेट कीपर बैट्समैन है, ये कीपिंग करेंगे। फर्गस एडम्स आएंगे दोस्तों, राइट आर्म फास्ट है, आएंगे मेगन पीटर्स, राइट आर्म फास्ट है, फिर आएंगे यहाँ से शॉन वनबर्ग, लेग स्पिनर है, ऐसे कॉट्जे राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट है दोस्तों, बहुत तेज बॉलिंग कराते हैं। मुबिला बुडास आएंगे, राइट आर्म फास्ट है, अब देखो चेंज कर सकता है टीम ना, यहाँ से रियान वन टोंडरो खिला सकती है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 86 है, तो दोस्तों अच्छा बैट्समैन है, मैंने कह रहा खराब है, खिला सकती है, देखते हैं दोस्तों किसके बदले खिलाती है। मौता बाहर रह सकते हैं, जोनाथन वरिंदर दोस्तों आ सकते हैं अंदर, चांस बन सकता है, क्या पता एंड्रयू गोस को बाहर कर दे, मेरे को लग रहा है दोस्तों टीम एंड्रयू गोस को बाहर कर सकती है। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ पे T20 के परफॉर्मेंस के ऊपर, यहाँ पे आपको मैं पूरी कहानी समझाऊंगा कि T20 के अंदर कैसा है प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, अब आपको बस स्टैट्स के ऊपर ध्यान देना है, मैं बस स्टैट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं किसी भी प्लेयर के बारे में दोस्तों कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पर, आखिरी के अंदर अपन बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में ठीक है, जो मेरा इनसाइट अपन कहते हैं इनसाइट, मतलब जो मेरे अंदर से नॉलेज निकल के आती है आपको मैं आखिरी के अंदर बताऊंगा ठीक है, स्टैट्स बोलूंगा बस यहाँ पे डिक्टेट। एडन माकरम 41 मैचेस खेले T20 के अंदर आज तक, 31 की एवरेज है, 1000 के आसपास इसको रन चाहिए, बस 55 रन चाहिए 1000 रन के लिए इसको ठीक है, हाईएस्ट T22 है, 7 विकेट है, बॉलिंग कभी कभी कराता है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, और 50+ कितनी बार करा है, 8 बार आ गया है ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 40 में से 8 बार 50+ करता है बंदा। फिर आएंगे यहाँ से हेनरी डेविड्स, 183 मैचेस खेले हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर दोस्तों इस टीम के अंदर, अपन कहते हैं कौन है भाई है यहाँ से हेनरी डेविड्स होने चाहिए, आपका आंसर 24 की एवरेज है, 3000 के आसपास रन से, मैं कह सकता हूँ 4000 के आसपास रन से, हाईस्ट 112 नॉट आउट है, 50+ 224 है। आएंगे डीन एल्गर, 74 मैचेस खेल रखे हैं भाई साहब ने, देख लो यार, फिर 36 के एवरेज है, 1800 के आसपास रन से, हाईस्ट 88 है, 50+11 है, मतलब 70 में से 11 मैचेस में 50 करता है, तो अच्छा खिलाड़ी दोस्तों, 1:7 का रेशियो है, मतलब 7 में से 1 मैच में 50 करता है। थेनेस्टी ब्रांड 65 मैचेस के अंदर 32 के एवरेज है, 1700 के आसपास रन है, हाईएस्ट यहाँ पे देख रहे हो 1 शतक भी जड़ रखा है, तो क्लास बैट्समैन है दोस्तों थेनेस्टी ब्रांड, एक बार चलते हैं दोस्तों रुकते नहीं है, क्लास इन 85 मैचेस के अंदर 750 है, ये 750 दोस्तों ऐसे टाइम पे आई थी जब टीम दोस्तों हारने की कगार पे रहती है, टाइटंस तभी दोस्तों सेंचुरीज हाफ सेंचुरीज बनाता है, इसलिए दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था ठीक है, सिलेक्शन इसलिए होता है जब टीम हारने की कगार पे रहती है तब बैट्समैन चलता है। 27 की एवरेज है, 1500 के आसपास रन से, आई 77 है, ज़्यादा मैचेस खेले लेकिन रन थोड़े से कम है। क्रिस मॉरिस आएंगे 215 मैचेस के अंदर 270 विकेट है, 1100 के आसपास रन है, सबसे महंगे प्लेयर है। ग्रैंट थॉम्सन 51 मैचेस के अंदर 28 के एवरेज है, 900 के आसपास रन, आई 71 नॉट आउट है, 21 विकेट है, बॉलिंग करा लेते हैं 3 बार 50 है, तो ठीक ठाक खिलाड़ी ये भी है। सिमन आर्मर आएंगे 100 मैचेस में 82 विकेट है, 700+ रन है। ऑफ स्पिनर लुगी निगड़ी 68 मैचेस के अंदर 94 विकेट है, तबराय शमसी 136 मैचेस में 152 विकेट है, जुनेद दाला 80 मैचेस के अंदर 83 विकेट है, T20 के अंदर रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है। लिजार्ड विलियम्स 40 विकेट है 33 मैचेस के अंदर, बैच के ऊपर रहेंगे दोस्तों यहाँ पे शिबोनालो मखनाया ठीक है। स्टैट्स दोस्तों मैंने इनके आपको दे रखे हैं बैच के ऊपर, मैंने चाहता दोस्तों कि मैं कोई भी प्लेयर को मिस करूं गलती से भी, आपको हर प्लेयर के स्टैट्स में दूंगा दोस्तों, जी जान लगाऊंगा मेरी। 48 मैचेस खेलने इसने, 400 के आसपास रन है, तो रन थोड़े कम है। गलमैन जी का आप देखो यहाँ पे 17 मैचेस में 14 विकेट है, सिली जी का दोस्तों यहाँ पे 4 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, जॉर्जिया
क्या नाम है इनका, मलोखवाना करके इनका अजीब सा नाम है। तो इन्होंने 22 मैचों में 17 विकेट निकाले हैं। स्टार्टिंग में डालेंगे ऐसे लुगी निगड़ी, क्रिस मॉरिस, ठीक है। डेथ ओवर में कौन आएगा, लुगी निगड़ी आएंगे, क्रिस मॉरिस आएंगे, जूनियर डाला खेलने दोस्तों डालेंगे, वरना लिजार्ड विलियम्स डालेंगे। नाइट्स की बात करते हैं, पैट्रिक कुंगन 59 मैचेस के अंदर 28 के एवरेज है, 1300 के आसपास रन है, 86 है, 16 विकेट है, 50 प्लस 7 बार है। सिक्स मारने के लिए बहुत पॉपुलर है पैट्रिक कुंगन। फिर आएंगे ऐसे जैक सिनेमन, अभी आपने देखा रहेगा इनको, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में लाहौर के अंदर गदाफी स्टेडियम के अंदर डेब्यू करा था, ठीक है। 18 मैचेस के अंदर 16 की एवरेज है। इसने अपने करियर के अंदर एक ही 50 बनाई थी, अपन कहते हैं उसको 50 नहीं बनाई थी, एक तरीके से वो सेंचुरी हो गई थी, 170 रन बनाया था, 272 रन से 4 विकेट। एंड्रू गॉस आएंगे यहाँ से 40 मैचेस के अंदर 30 के एवरेज, दोस्तों ज्यादा बेटर बैट्समैन है, 900 प्लस रन साइज, 101 नॉट आउट है, 50 प्लस 7 बार है, तो अच्छा खिलाड़ी दोस्तों मुझे लगा। पीटन वन बिल्जन आएंगे 17 मैचेस के अंदर 31 के एवरेज है, 1300 प्लस रन साइज, 75 नॉट आउट है दोस्तों, 50 प्लस 6 बार है, तो 70 में से यार 6 बार 50 प्लस एक जस्टिफाइंग नहीं है, लेकिन ठीक ठाक खिलाड़ी है, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने की कोशिश करेगा, सिलेक्टर्स को फिर से इंप्रेस करना है बंदे को। बाहडीन आएंगे यहाँ से 82 मैचेस के अंदर 182 मैचेस के एवरेज है, 3000 के आसपास रन चार है, 72 नॉट आउट है, 50 प्लस 11 बार है, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस उस बंदे का भी। यहाँ से आएंगे वनलिया मकवेतु, कीपिंग करेंगे, 22 मैचेस खेले इसने, ये दोस्तों इसका लिस्ट ए का परफॉर्मेंस है, इसने आज तक कभी भी T20 के अंदर नहीं खेला है, वर्डलाइन जी ने, ठीक है, वर्डलाइन जी जो भी हो दोस्तों ना, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने लिस्ट ए के अंदर ना आज तक 22 मैचेस खेले हैं, उसके अंदर 500 के आसपास रन साइज, 119 है। तो आपको मैंने लिस्ट के स्टार्ट देखा है जो 500 के मैचेस होते हैं, वो इसने T20 आज तक कभी नहीं खेला है। फेरकोस एडम्स आएंगे 60 मैचेस के अंदर 57 विकेट, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 500 प्लस रन है। निगल प्रेटरस आएंगे दोस्तों यहाँ से 19 विकेट है 15 मैचेस में, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। शॉन विवेक का 33 मैचेस में 40 विकेट है। यहाँ से कॉटजे का 6 मैचेस में 7 विकेट है। गेराल्ड कॉटजे बुढ़ाजा का 21 में 21 विकेट है। जोनाथन मेंडर दोस्तों खेल सकते हैं, 67 मैचेस के अंदर 750 प्लस स्कोर है, 23 की एवरेज यार, 1300 प्लस रन साइज, 107 नॉट आउट है, क्लास बैट्समैन है। रियान वन टाउंडर का कितना है यहाँ पे, 14 मैचेस के अंदर 27 की एवरेज है, अपन कह सकते हैं 300 के आसपास रन साइज, 76 नॉट आउट है, 50 प्लस एक बार है। मोतवा आएंगे 22 मैचेस में 21 विकेट है। मोकेना 49 मैचेस खेले हैं, 600 के आसपास रन है। मैथ्यू क्लेनवेल्ट का यहाँ पे 16 मैचेस में 4 विकेट है, 180 रन है। स्टार्टिंग में डालेंगे यहाँ से आई थिंक जी कॉटजे, मेगल प्रिटोरियस, डेथ में आएंगे यहाँ से मिगन पेट्रोरियस, और यहाँ से आएंगे फिर बुढ़ाजा, फेरकस एडम्स। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती तब क्या होता है दोस्तों, ये स्टैट्स आई थिंक आपको कोई भी यूट्यूब के अंदर नहीं देगा हेड टू हेड मैचेस के, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, मतलब कि आप समझ सकते हो करीबन अपन कह सकते हैं 4 या 5 घंटे तो उसी में लग जाते हैं हेड टू हेड स्टैट्स के अंदर निकालने के अंदर। लेकिन दोस्तों वही बात आती है ना कि हर बंदा वही कमेंट करता है गलती से वो हार गया वहाँ पे, तो उसको मेरे को दोस्तों यहाँ पे दो दुख होता है, जब अपन लॉस होता है ना तभी दोस्तों एक तो वो दुख हो गया, और दोस्तों अपन इतना एनालिसिस करा उसका दुख होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि जब भी आप कमेंट करते हो ना कोई भी, तो दोस्तों से एक बार सोचना कि सामने वाले को कैसा लगेगा, उसने कितनी मेहनत करी थी बैकग्राउंड के अंदर, आप सोच सकते हो बिहाइंड द सीन्स किस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो आप एक बार सोच के देखना दोस्तों, आपका इतना एफर्ट कोई नहीं डालेगा, वो डायरेक्टली आपको स्टैट्स दिखा देंगे भाई T20 के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस है, साइड में आपको कर देंगे, डायरेक्ट आपको टीम दे देंगे, आपको रेफर लिंक्स दे देंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आज तक वो नहीं करा है, मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, मेरे को खुद को पसंद नहीं हो चीज़ें, बिकॉज सारी बात की बात है यार, और जो फ्रस्ट्रेशन के तौर पर निकल जाए दोस्तों ऐसी चीज़ें। एडिन माकरम देखो यार, 3 मैचेस खेले इसने नाइट्स के अगेंस्ट में, हेड टू हेड मैचेस की अपन बात कर रहे हैं, 26 के एवरेज है, 79 रन है, हाइस्ट 50 है। यहाँ से आएंगे हेनरी डेविड्स, 15 मैचेस खेला भाई सामने, ठीक है, 18 की एवरेज है, 268 रन है, हाइस्ट 50 है, पहली पारी के अंदर चलता जाता था। डैन एल्गर ने यहाँ पे 2 मैचेस खेले नाइट्स का गेम्स में, 65 और 23 करा 2 मैचेस के अंदर, पहली पारी के अंदर 31 की एवरेज, दूसरी पारी में दोस्तों यहाँ पे 41 की एवरेज है T20s के अंदर। थैनोस डी ब्रॉयन आएंगे 5 मैचेस के अंदर 63 की एवरेज है, 190 रन है, नाइट्स का गेम्स में 53 है दोस्तों, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 5 मैचेस के अंदर 63 की एवरेज, खराब एवरेज नहीं है। हैरिस क्लासेन 53 और 13 करा है नाइट्स का गेम्स में। क्रिस मॉरिस दोस्तों यहाँ पे 3 मैचेस में 2 विकेट, 38 रन है। शिव अमर जो टीम का गेम्स में आज तक कभी नहीं खेला है। थॉमसन का 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। लुगी निगड़ी का 5 मैचेस में और सिर्फ 2 विकेट है, शॉकिंग स्टैट्स मुझे देख के लगा। शमशी जी 6 मैचेस में 5 विकेट है। जूनियर डाला 6 मैचेस के अंदर 5 विकेट है। जॉर्जिया मलखवाना का 1 मैच के अंदर 2 विकेट है। ये दोस्तों बहुत अच्छा स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। नाइट्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ से हेड टू हेड मैचेस के अंदर पैट्रिक कुंगन ने टाइटन्स के अगेंस्ट में 5 मैचेस में 22 की एवरेज है, 90 रन से आए, 79 है, 52 विकेट है। पहली बारी के अंदर 23 की एवरेज है, दूसरी बारी में 33 की एवरेज हो जाती है। जैक सिनेमन आज तक कभी इस टीम के अगेंस्ट में खेला नहीं है। एंड्रू गोस 4 मैचेस के अंदर 15 की एवरेज है। टाइटन्स के अगेंस्ट में हाइस्ट 37 है, 46 रन है, पहली पारी के अंदर मात्र 21 की एवरेज है, दूसरी पारी में दूसरे डबल हो जाती है, 37 की एवरेज है। पीटन विल बिल्जन पहली पारी में 30 की एवरेज है, दूसरी पारी के अंदर 35 की एवरेज है, जब चेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 मैचेस के अंदर इन्होंने टाइटन्स के अगेंस्ट में 150 रन करें, हाई 61 है और 39 की एवरेज है। आएंगे यहाँ से बहाडीन जी,
बिहारीन कह लो ज़्यादा बेटर है, 19 मैचेस के अंदर 500 के आसपास रन्स है, हाई 70 है, 45 की एवरेज है। आएंगे यहाँ से बिहारीन फिर से पहली पारी के अंदर देखो 43 की एवरेज इसकी T20s के अंदर, दूसरी पारी में 28 की एवरेज हो जाती है। फर्गस एडम्स दो मैचेस के अंदर 4 विकेट है, 20 रन है। मिगल प्रिटर्स के यहाँ पे दो मैचेस में 4 विकेट है। शॉन विन दोस्तों एक्सप्लेयर है टाइटंस के, मतलब ये पहले सीजन के अंदर से खेलने से पहले इस टीम के अंदर आने से पहले टाइटंस के लिए खेला करते थे। कॉर्ड्स का 2 में 2 विकेट है। बुढ़ाजे का दोस्तों 1 मैच के अंदर 0 विकेट है। अल्फ्रेड मोता नहीं खेले। जोनाथन वेरिंडर का 9 मैचेस के अंदर 68 हाईएस्ट है, 180 के आसपास रन है। पहली पारी के अंदर इसका आया था 68 की नॉक है, पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। रन वेंटेंडोर 1 मैचेस के अंदर 35 की एवरेज है। ग्रैंड मोकाना का यहाँ पे 4 मैचेस 57 रन है। जब इस वैनी के ऊपर मैचेस हुए किंग्स में डरबन पे तो क्या हुआ है, ये देखो टाइटन्स की तरफ से एडन मार्करन यहाँ पे 1 मैच में 29 करा है। हेनरी डेविड्स यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 12 मैचेस के अंदर 167 रन है, 70 की एवरेज है। एक्सपीरियंस अच्छा लेकिन दोस्तों स्टैट्स इनका ठीक ठाक, एवरेज परफॉर्मेंस है। डीन एल्गर 7 मैचेस के अंदर 90 रन है, 15 की एवरेज है। थ्यूरिस डिपेंड का यहाँ पे 14 की एवरेज है, 5 मैचेस में 55 रन है। हैरिस क्लासन 4 मैचेस के अंदर 38 रन है, 9 की एवरेज है। क्रिस मॉरिस 9 मैचेस में यहाँ पे 15 विकेट है यार, 36 रन है। लुगी निगड़ी यार 2 मैचेस में 3 विकेट है। जूनियर दाला 5 में 6 विकेट है। शमशी जी का यहाँ पे 6 मैचेस में 7 विकेट था जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है इसका आपको करेक्शन कर लेना, आपको कह दिया मैंने। जॉर्जिया मक्लू आएंगे ऐसे 1 मैच के अंदर 2 विकेट है। नाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स ने नहीं खेला है। पैट्रिक क्रूंगर ने यहाँ पे 4 मैचेस के अंदर 47 रन करा, 1 विकेट है। एंड्रू गॉस ने यहाँ पे 2 में 2 विकेट निकाला है। पीटर वन बिल्जन ने यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 39 रन करा है। बर्डिन जी ने यहाँ पे 12 मैचेस के अंदर 174 रन करा है, 35 की एवरेज है। फिर कसर्टन्स ने यहाँ पे 6 मैच 6 विकेट निकाला। शॉन विक का यहाँ पे 2 में 4 विकेट है। बुडाजा का 1 मैच के अंदर 2 विकेट है। अल्फ्रेड मोता 1 मैच में 0। जोनाथन वेरिंडर के यहाँ पे 8 मैचेस के अंदर 138 रन है, 23 की एवरेज है। ग्रैंड मकोवा का 2 मैचेस में 25 रन है। मैथ्यू एक्लिनवेल्ड के यहाँ पे 1 मैच के अंदर 9 रन है। कॉमन कैप्टन दिखेंगे आपको हो जाएगा क्रिस मॉरिस, एडिन मैक्रम। आपको ग्रैंड लेकर उसको बनाना है, आपको बनाना है दोस्तों यहाँ पे क्रिस मॉरिस को सबसे महंगा खिलाड़ी। एडिन मैक्रम दोस्तों यहाँ पे स्पेशल रहते हैं, हमेशा क्लास बैटिंग करते हैं। टीम अगर दोस्तों अगर सेट हो गए तो रुकते नहीं है। थैंक यू दोस्तों, सेम वही खिलाड़ी। तो यहाँ पे मेरे 4 टाइटन्स के कैप्टन रहने वाले हैं ग्रैंड लीग्स के अंदर, डिफरेंट रन है ठीक है। तो आप क्या करो, पैट्रिक मुरु को बना सकते हो, लुगी निगड़ी को बना सकते हो, हेनरी ड्यूड्स को बना सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, बस आप सभी कहूँगा पूरी मेहनत दोस्तों आपके सामने है। ऐसे स्टैट्स आपको कहीं मिल जाए दोस्तों मुझे कमेंट करके दे देना ठीक है। वही कहूँगा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे किसकी टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। यहाँ पर मेरे कैप्टन है क्रिस मॉरिस, वाइट कैप्टन है मेरे एडिन मैक्रम। आप बना सकते हो दोस्तों लुगी निगड़ी को वाइस कैप्टन, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पैट्रिक कुरुंगू हुए, फर्गस एडम्स हो गए, यहाँ से पीटर बिल्जन हो गए, यहाँ से मिगेल प्रिटर्स हो गए। मैंने क्यों दोस्तों यहाँ पे एक प्लेयर को मैंने अवॉइड कर दिया, फिर बैडिन को आप इनको ले सकते हो दोस्तों, किसके बल्ले, पैट्रिक कुरुंगर के बल्ले ठीक है। मैं आप अवॉइड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बस एक रिस्क लिया अपना गट फील वाला। तो आप दोस्तों जो बैडिन को ले सकते हो, मैं भी शायद इनको ले लूँगा स्मॉल लीग के अंदर, मैं खुद दोस्तों पे कंफर्म नहीं हूँ। बैट फर्स्ट करते हैं तो मैं जरूर लूँगा, बैट सेकंड करते हैं दोस्तों तो फिर बात अलग आ जाती है ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया, अब देखो यहाँ से ये टीम हो जाती है अपनी स्मॉल लीग की। ग्रैंड लीग के अंदर क्या करना है दोस्तों, शानदार सा मैच लग रहा है। कुछ आपको प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है, तो यहाँ से हेनरिक क्लासेन नहीं बनते हैं, ये खेलते हैं दोस्तों टॉप ऑर्डर के अंदर, तो आप इनको ले सकते हो ओवर हेनरिक क्लासेन। क्या पता इनकी बैटिंग ना आए, ऐसा हो सकता है, चांस बन सकता है। पीटन विल बिल्जन इंपॉर्टेंट रहेंगे। रैन वेंटेंडोर खेलते हैं दोस्तों, मस्ट पिक होने चाहिए, शायद ही खेलेंगे दोस्तों। चांस थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि टीम ना ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर को चांस देगी यहाँ पर इस टीम के अंदर, केटीएस के अंदर मतलब नाइट्स के अंदर। डीन एल्गर ठीक ठाक कर रहे हैं, एडिन मैक्रम दोस्तों इंपॉर्टेंट होते होते हैं हमेशा की तरह। धनुष जी बनोगे, हेनरी डेविड्स दोस्तों आप ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, एक प्लेयर आपको यहाँ से निकाल के दे दिया। एक अपना जोनाथन वेंडर हो गए, ये दो प्लेयर्स दोस्तों डिफरेंशियल पिक होते हैं ग्रैंड लीग के अंदर ठीक है। दो प्लेयर्स का नाम आपके सामने मैंने रख दिया, कौन यहाँ पर आप पीटर विल बिल्जन के ट्राई कर सकते हो, पीटर विल बिल्जन के बदले आप ट्राई कर सकते हो जोनाथन वेंडर को ग्रैंड लीग के अंदर। हेनरी डेविड्स दोस्तों आप डिफरेंशियल पिक बना सकते हो, दो प्लेयर्स का नाम आपको कह दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों देखते हैं कैसा क्या करता है, ठीक ठाक खिलाड़ी ये भी है। सनमन वही बात है दोस्तों की थोड़ा सा नर्वस थे जब इन्होंने पाकिस्तान के देश में खेला था, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं आके। फिर से क्रूंगर इंपॉर्टेंट शायद रहें, ओपन कर सकते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है वरना दोस्तों नहीं लेना आपको, मैं आपको बता दूंगा बैटिंग ऑर्डर। फर्गस एडम्स दोस्तों अगर केटीएस पहले बॉलिंग कराती है तो मस्ट पिक आपके होने चाहिए, डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। फिर आएंगे यहाँ से शमशी जी ठीक ठाक है, लुगनी ठीक ठाक है, शॉन विन दोस्तों अच्छी बॉलिंग कराते हैं। एम बुडाजा के ऊपर मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा मेगन प्रिटोरियस को, थोड़ा सा एक्सपीरियंस खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग कराता है। कॉर्ड्स दोस्तों डिफरेंशियल पिक रहेगा, मतलब मेरे लिए पहले नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे कॉर्ड्स आएंगे, तीसरे नंबर पे बुडाजा आएंगे। तो आपको समझा दिया मैंने प्रेफरेंस क्या रहेगी। शिम अमर दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं, तो आपको डिफरेंशियल पिक मैंने दो बता दिए यहाँ से, एक तो प्रिटोरियस हो गए, फिर हो गए यहाँ से कॉर्ड्स ठीक है। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको करना क्या सिंपली सर्च करना है स्टैट्स गुरुजी। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करंटली 71,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, गलत जगह मत जुड़ना, 71,000 वाली चैनल से जुड़ना है। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।